दोस्तों, ये बटन दबा के वीडियो को लाइक कर दें और ये लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल ऑनलाइन देखो में। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे, सरकार दे रही है बेटियों को 72,000 रुपये सीधे बैंक खाते में, इसका लाभ कैसे मिलेगा, हम पूरी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए इस वीडियो को आप कौन से जिला से देख रहे हैं, प्लीज़ जिला का नाम कमेंट में लिखिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कम उम्र में शादी होना झारखंड के लिए एक कलंक है। इस कलंक को मिटाने के लिए सरकार मुख्यमंत्री सुकन्या योजना लेकर आई है। इसके तहत राज्य की कोई भी बेटी बिना शिक्षा के नहीं रहेगी, कम उम्र में शादी नहीं होगी। इसके तहत राज्य की कोई भी बेटी बिना शिक्षा के नहीं रहेगी, कम उम्र में शादी नहीं होगी। यह बातें चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में गुरुवार को आयोजित मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कही। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना से राज्य के 27 लाख परिवार होंगे लाभान्वित। जाने क्या है सुकन्या योजना। झारखंड में 24 जनवरी को शुरू हुई मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में 18 साल तक की लड़कियों को पढ़ाई के अलावा अन्य जरूरतों के लिए समय समय पर वित्तीय मदद दी जाएगी। इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना में पिछड़े पाए गए हैं। ऐसे 26 लाख परिवारों की बच्चियों को इसका लाभ मिलेगा इसमें जन्म से लेकर 18 साल तक की उम्र की लड़कियों को शिक्षा के साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए राज्य सरकार समय समय पर आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी। इसलिए की गई इस योजना की तलब हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को साकार करने के साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, स्कूल में ड्रॉप आउट को रोकने एवं बाल विवाह प्रथा का अंत करने के उद्देश्य से राज्य के मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत की गई। विगत 3 जनवरी को आहूत मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की स्वीकृति दी गई। विगत 3 जनवरी को आहूत मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की स्वीकृति दी गई थी। इस तरह मिलेगा लाभ। बेटी के जन्म पर 5,000 रुपये, पहली कक्षा में दाखिले पर 5,000 रुपये, 5वीं पास करने पर 5,000 रुपये, 8वीं पास करने पर 5,000 रुपये, 10वीं पास करने पर 5,000 रुपये, 12वीं पास करने पर 5,000 रुपये, 18 साल की आयु पूरी करने पर 10,000 रुपये, 18 साल की आयु पूरी करने पर 10,000 रुपये, शादी के लिए मिलेंगे 30,000। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत मिलने वाली राशि के अतिरिक्त शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अलग से 30,000 रुपये मिलेंगे। इससे शादी के वक्त आर्थिक तंगी नहीं होगी, इन परिवारों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ झारखंड के 27 लाख परिवारों को मिलेगा। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना में पिछड़े पाए गए परिवारों को मिलेगा। 72,000 सालाना से कम आय वाले परिवार की बच्चियों को 18 साल की उम्र तक 6 बार सहायता मिलेगी। 72,000 सालाना से कम आय वाले परिवार की बच्चियों को 18 साल की उम्र तक 6 बार सहायता मिले। SECC 2011 की सूची में शामिल परिवार एवं अंत्योदय कार्ड धारकों को योजना का लाभ मिलेगा। आपके लिए यहाँ करें संपर्क। योजना का लाभ लेने के लिए निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र, प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। पदाधिकारी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।